It's 100% love, 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 love. It's 100% love, 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 love. It's 100% love, 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 love. तो पिछली वीडियो में संस्कारी ने मेरे जैसे दिखने वाले एक अजीब से लंड बुद्धि प्राणी के बारे में बात किया था कि वो अपना सेटअप टूर कर रहा है। साला एक नंबर का फकीर है, फिर भी वो सेटअप टूर कर रहा है। मैं थोड़े से लड़की वाले हरकत करता हूँ, पर देखो मैं कितना अमीर हूँ। तुम लोग मुझे सपोर्ट करते हो, मेरे को छक्का कहते हो, पर फिर भी देखो मैं कितना ज़्यादा रिच हूँ। पर वो लड़का यानी कि बिंदास आलोक अपनी बकलोली से कुछ भी नहीं कर पाता, तो संस्कारी ने उसका रोस्ट भी बनाया था। तो आओ यार आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बिंदास आलोक का रेस्ट ऑफ द सेटअप टूर एंड उसकी दो और नए वीडियो। ए बोतली के, तू किसके बारे में बात कर रही है रे? साले तू मेरे को लंड बुद्धि कहता है, रुक तेरे रुक बिरुक। और मेरे संस्कारी पलटन, क्या हाल है तुम सभी का? तो आ गए तुम लोग? हाँ आना ही था, क्योंकि तुम लोगों को तो बिंदास का वे रोज 3 बहुत ज़्यादा देखना है, क्योंकि यार ये बहुत ही हॉट टॉपिक है मेरे चैनल पे और मैं इसे बहुत अच्छे से कर रहा हूँ शायद। तो आओ यार आज के वीडियो बिना किसी बकलोली के शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में बिंदास आलोक ने कर ली थी अपनी बर्बादी, मेरा मतलब शादी। तो उसके बाद उसने बनाया है अपना घर जहाँ पे वो बसाएगा अपना संसार। तो आओ यार उसका बाकी का बचा हुआ होम टूर भी देख लेते हैं, क्या है उसके घर के अंदर, क्या क्या छुपा हुआ है। तो चलो गाइस, मैं आप लोग एक बात बता दो, प्लीज गाइस आप लोग हंसिएगा मत, लेटरिन बाथरूम अभी अटैच नहीं है गाइस। हम लोग यानी कि गाइस सबको जाना पड़ता है खेती में करने के लिए। अभी जादू गया गया इस लेटरिन बाथरूम करने के लिए, मैंने उसे अभी फोन करके पूछा गया, तो उसने बोला अभी खेत में हाग रहा हूँ। तो बात नहीं छिछोड़े, तू मेरे को एक चीज बता कि जादू कब से हगने लगा बे? और हगने जाना है तो कोई फोन क्यों लेके जाएगा, और वो भी खेती में? मतलब इतना क्या शौक चढ़ गया है फेसबुक व्हाट्सएप का कि यार तुम हगने भी जाओ तो फेसबुक व्हाट्सएप यानी कि मोबाइल अपने साथ लेके जाओ, और वो भी खेती में, ना कि वेस्टर्न यानी कि कमोट में। बाद में बात करता हूँ। तो गाइस तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये छोटा सा मेरा होम टूर है गाइस। अब बात करेंगे आप लोग की, मेरे पास नई ट्राइपॉड है जो मैं वीडियो रखता हूँ, तो गाइस ये ट्राइपॉड का काम कर ही देता है, क्या करेंगे ट्राइपॉड लेके यार। छिछोड़े तू कहना क्या चाहता है, मैं व्लॉगिंग करता भी नहीं हूँ और मेरे पास 4 ट्राइपॉड्स है और मेरा कोई काम भी नहीं लगता, फिर भी मैंने खरीद के रखा है। और तेरा तो इतना ज्यादा काम पे लगता है, तूने 2 ट्राइपॉड यूज भी करता है, तो तू यूपीएस के सामने फोन रख के कैसे कर सकता है? और तू पहली बात बोल, तूने उसे खरीदा नहीं है, ये नहीं कि तेरे पास औकात नहीं है एक 400 रुपए की ट्राइपॉड खरीदने की। क्या करेंगे आप ही लोग बताओ, 2 एयर कंडीशनर भी मैंने आपको दिखा दिया है गाइस। तो हाँ तूने रामायण और महाभारत तो लिख ही डाला है, और आप जॉनी सिंस का बायोग्राफी लिख के तू क्या करेगा? हाँ क्या करेगा? अब आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे लगी मेरी $1 million की होम टूर। सबसे पहली बात वो होम टूर होता है, होम टूर नहीं। और सेकंडली कि कमेंट बॉक्स में अगर मेरे को लिखना है तो साला मैं 5 धोखे आ जाऊंगा। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। विश्व संसार में हर एक के जीवन में कभी ना कभी बर्बादी तो होता ही है, और बिंदास आलोक ने अपनी बर्बादी मेरा मतलब शादी बहुत जल्द अपने गले लगा लिए। इसके वजह से उसे पछताना भी पड़ रहा है, क्योंकि बिंदास का ब्याह की मम्मी ने कर दिया है पुलिस कंप्लेंट। तो देख लो उसका वो वीडियो और चलो रिएक्ट मारते हैं। तो गाइस आप लोगों को मैं एक बात बोल लेता हूँ, हाथ जोड़ के आप लोगों को विनती करता हूँ, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल ही एंड तक देखिएगा। कोई मजबूरी है क्या पूरा वीडियो देखने का? अगर मजबूरी है तो बता दे, नहीं तो मेरे को अपने YouTube का पगार भी मिल जाएगा, मैं अपने घर में जाकर सो जाऊंगा। कुछ दिन पहले गाइस मैंने एक यानी कि कुछ दिन पहले क्या, मैं अभी बीच में कोई वीडियो डाल रहा था गाइस, उसके ऊपर आप लोग समझिएगा मैं किसके ऊपर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बंदा काव्या को एक्स फैक्टर समझ रहा है, लेट अस कंसीडर द पर्सन एज एक्स, तो पकड़ लिया और अभी एलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर। तो गाइस मैं वीडियो डाली आया था, सबसे सही चल ही रहा था गाइस, उसके बाद क्या वो बता दो गाइस, उसके बाद मेरे को आज आधा एक घंटा पहले गाइस मुझे मैसेज आया उसकी मॉम का। जी हाँ गाइस उसकी मॉम का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, मैं आप लोगों को पहले बताया, तो मैं भी आप लोगों को प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि मुझे
ये बहुत अच्छा हुआ, मुझे यही चाहिए था। इसका मतलब आंटी ने यानी कि काव्या जी की मम्मी ने कंप्लेंट कर दिया तेरे बारे में। वाह, ये तो फर्स्ट क्लास बात है। और बताओ। पुलिस केस कर दूंगा। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आलोक की शादी होएगी। तो भाई मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस केस हो जाएगा तो मेरे ऊपर, मेरे को पता है मैंने उस बुढ़े में मैंने कुछ गलत बोला था तो। नहीं बेटा, तूने कुछ भी गलत नहीं बताया, तूने अपना प्यार का आजहार किया है। ओ ले 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 बेटा, तूने कुछ भी नहीं किया है, कितना भोला भाला बच्चा है, कुछ भी गलत नहीं बोला, इसे इंसाफ मिलना चाहिए। वो भी मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये क्या बात हुई यार, पुलिस केस कर दूंगा। इससे अगर मेरे जगह कोई और रहता ना गाइस, छत पर से कूद करके मर जाता गाइस, मैं आप लोगों को पहले बोलता हूँ। तू पहले बता दे या फिर तू बाद में बता दे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अगर तेरा लॉजिक हुआ तो यार संजू को 7 साल पहले मर जाना चाहिए। लेकिन शेर का बच्चा नहीं निकल पाएगा तो गाइस, मैं आप लोगों को बता। क्या बोला बे? सॉरी 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 सर, सुअर का बच्चा नहीं निकल पाएगा तो गाइस, मैं आप लोगों को मॉम का, उनकी मॉम का तो पहले आप लोग ये देख लीजिए। तो गाइस आप लोगों ने वो देख ही लिया होगा कि पर इस छिपकली को अपने पाप का प्रायश्चित करना बिल्कुल भी नहीं आता, इसने अपना नया क्रश ढूंढ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास आलोक। और फिर से वही छिपकली वाला इंट्रो। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरी न्यू क्रश के बारे में। नहीं, माँ बाप का नाम तो रोशन कर रहा है। अच्छा बेटा, तेरे को मैथ्स में कितना मिलता है री? मेरा मुंह देख के पता नहीं चल रहा है, मेरे को सिर्फ 0। समझता हूँ बेटा, बेरोजगारी बहुत बड़ा। हाँ जॉनी भाई, कोई नौकरी वोकरी दे दो ना, नौकरी चाहिए। हाँ बेटा, ब्रदर्स में काम करेगा, भाई भाई एक साथ करेंगे बहुत। हाँ भैया, मेरे को नौकरी दे दो, खबर भी दे दो, बस नौकरी दे दो, बिंदा जन्नत भी है। पहली फुर्सत में निकल। क्रैश 2.0 के बारे में, जैसे कि आप लोगों ने मूवी में सुना था रोबोट 2.0 चश्मा से है ना। हाँ साले, शाहरुख खान का सेकंड हैंड सनग्लास पहन के भी तेरे को खच्चर ही लगेगा। खच्चर 2.0 से मिलवाने वाला, जिसका नाम है बिंदास जन्नत जी। फीलिंग्स, ओ नया गर्लफ्रेंड। गाइस आप लोगों ने बिल्कुल ही सही सुना, मेरी न्यू क्रश का नाम बिंदास जन्नत। बहुत ही जल्द गाइस मैं शादी भी करने वाला हूँ। तो गाइस ये सेलेना, तुमने सुना है बिंदास आलोक नया शादी कर रहा है? आप लोग यार मेरे को सपोर्ट करो, वो क्रश बहुत ही अच्छे, वो बहुत ही ज्यादा सीरियल में वो अभी वर्क करती है। उसके बायोग्राफी में आपको बताता हूँ, उसका नाम है बिंदास जन्नत एंड वो सीरियल में काम करती है। गाइस सीरियल का नाम तो मैं भी भूल चुका हूँ गाइस। तो गाइस बहुत ही जल्द। वाह, विकिपीडिया के नाजायज औलाद, क्या इंट्रो मारा है तूने। सच में तेरे को विकिपीडिया ऑफिशियल में काम करना। हम दोनों का बात होने वाला है, उसके बाद गाइस हम लोग की शादी भी होने वाली है। तो गाइस आप लोगों को इनवाइट जरूर करने वाला हूँ। उसके पास 200 रुपए की ट्राईपॉड खरीदने की औकात नहीं है, वो पूरे यूट्यूब कम्युनिटी को बुलाएगा अपने शादी में। पता भी है कितना खर्चा पड़ेंगे? अरे 250 करोड़ रुपए पड़ेंगे जो तेरे पास है। अगर गाइस उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो घोड़ी लाऊंगा, बैठाऊंगा, लेके बग जाऊंगा। उसके बाद अगर घर वाले तेरे को कहीं पे देखे तो तेरा कीमा भरता चिकन तंदूरी चिकन चौधरी बना के रस्ते में होटल में बेचेंगे। सही है ना? तो गाइस अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया मेरे को शादी के लिए, पहले तो उसने आई लव यू बोल दिया, तो मैंने गाइस मैं ओ मदर। बस बस, फूल जैसे मुंह में गाली सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या यार, मतलब मम्मी डैडी कुछ सिखा दी हुई है तेरे को? सॉरी, ओ माई गॉड। अगर तू 5वीं ठीक ठाक से पास कर जाता ना, तब तक तेरे को ओ माय गॉड और उस वर्ड में फर्क दिखता, फर्क नहीं। देखिए गाइस मैं बहुत ही ज्यादा चौंकना उसके हो गया गाइस, अब मैं उसके शादी की बात करने वाला हूँ गाइस। तो गाइस उसके बाद जब शादी होगी मैं आपको इनवाइट कार्ड भेजूंगा गाइस, एंड देन जब बच्चे होंगे तो उसका पिक भी दिखा दूंगा यार। क्या इस दीपक कराल के नाजायज औलाद ने पिक बोला या पेट बोला, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी तक तूने 5वीं पास नहीं किया और तेरा इतना बड़ा शादी करेगा और अपने बच्चे का पिक भी भेजेगा हम लोगों को, और इनवाइट कर तो दूर। पिक नहीं मिलवा दूंगा, आप लोग मिल भी सकते हैं। तो गाइस बस बहुत ही लंबा सपना है यार, मुझे पता है। नहीं, इतना लंबा सपना रख के तू क्या करेगा? तेरा ये इतना लंबा नहीं है और तेरे नीचे तो अभी तक बाल भी नहीं आया। किसी और को तू बाका करने के लिए बोला तो उसी चक्कर में तेरा 2 इंच का नुन्नू गायब हो जाएगा, तो पूरे जीवन अपने ट्रेन में बिताना पड़ेगा, वो भी ताली मार मार के।
लेकिन गाइस उसने आई लव यू तो बोल दिया, वो पिछली वाली शादी को मुझे अभी डिवोर्स देना होगा, वे डिवोर्स देना नहीं होगा, पहले डिवोर्स हो चुका था गाइस, किसके साथ हुआ था वो मैं अभी नाम नहीं ले सकता गाइस, आप लोग देख सकते यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ी हुई है किसके साथ मैं डिवोर्स हुआ। Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my comments. And my subscribers. And even my channel. Chahiye. तो गाइस बस इस वीडियो में डन। एंड में गाइस आप लोगों को एक बात बताया तो वीडियो को बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिएगा गाइस, प्लीज डोंट सीरियस। पहली बात अनपर गवार उसे प्लीज डोंट सीरियस नहीं कहते, उसे कहते प्लीज डोंट टेक इट सीरियस। वैसे ये वीडियो को जरूर सीरियस लीजिएगा आने वाली वीडियो। ओए वेले तू हमें क्या कहना चाहता है, एक बार कहता है सीरियस होने को, एक बार कहता है नहीं सीरियस होने को। एक काम कर तू इस वीडियो को अपने मुंह में ले और चुपचाप बैठ जा और टीवी देख। लोगों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लीजिएगा क्योंकि बिंदास वाले बकचोद है, बकचोद सा बकचोदी करेगा दमे तो कोई रोक लो। साले गुंडा मवाली है क्या, ऐसे धमकियां दे रहा है हम लोगों। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पे बिंदास काव्या का हर एक रोस्ट का पार्ट खत्म हो जाता है और कोई भी वीडियोस नहीं आएगा उसके ऊपर, तो हम लोग इस पार्ट को और कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो उम्मीद है तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया तो यार लाइक मारो, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो शेयर करो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक अकाउंट में, और नीचे कमेंट करो कि कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे अच्छा लगा। और तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं मिलूंगा तुम लोगों को किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय प्लीज। नाक बंद खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद छोटे थोड़ा शाप बंद, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई।